नेहा भाभी कहाँ हो? अंदर हूँ, किचन में आटा लगा रही हूँ। पहचाना नहीं क्या? बाहर तो आओ, मैं आ गई। मैं आ गई? ये आटा लगाने के टाइम पे ऑटो से कौन आ गई? क्या कर रही हो? मैं थक गई हूँ, आओ ना बाहर। अरे मेरी प्यारी नंद, इंदौर से कब आई आप? बस अभी अभी ऑटो छोड़ के गया है। आप क्या कर रही थी? बस मैं भी आटा छोड़ के आई हूँ। विक्रम भैया कहाँ हैं? वो फोन पे बात कर रहे थे किसी से। मेरे हाथ दर्द दे रहे हैं। अब ये सामान अंदर कौन रखेगा? आपके हाथ में तो आटा लगा है। नहीं भी लगा होता तो मुझसे ही रखवाती है। भैया आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दी? दी थी ना, इसलिए तो फोन काट के तुरंत आ गया। नहीं तो पता चले आज से लड़ना शुरू कर दो दोनों। लाओ मैं सामान रख दूं अंदर। रुको पहले आरती की थाली लगा लूं, बहुत दिन बाद आई है मेरी बड़ी नंद। आज आरती उतरेगी और कल से अखंड ताने शुरू हो जाएंगे। दाएं कान से बहन को सुनना पड़ेगा और बाएं कान से बीवी को। ऐसा कुछ नहीं है, वो पहले की बात थी जब हम लोग लड़ते थे। अब तो हम रोज शाम को बात करते हैं फोन पे। अच्छा चलो तो जाओ आरती की थाली लगा लो, या मैं सामान रख दूं पहले? नहीं पहले आरती करने दो फिर सारा सामान उठाना। फूलमती जब तक तुम हाथ पांव धो लो। भैया कितनी बार बुलाए आपको, मुझे फूलमती मत बुला करो। क्यों, तेरे आधार में फूलमती ही नाम है तेरा? वो मम्मी पापा की गलती की वजह से हुआ था। हाँ हमारे पापा का फूलचंद और मम्मी का नाम भानुमती था, तो दोनों को मिला के तुम्हारा नाम फूलमती रख दिया। लेकिन आप मुझे केवल श्रेटी बोलिए बस। हाँ ये नाम तो तेरा घर का नाम है। वैसे कितने दिनों के लिए आई है इंदौर से? कम से कम एक महीने के लिए भैया, वो नौकरी छोड़ दी मैंने। मतलब एक महीने रहेंगी भाभी और नंद, मचाएंगी गंध। बताया ना भाभी ने, अब हम दोनों नहीं लड़ते। अरे लेकिन तुम दोनों एक हो जाओगे तो सारे हमले मेरे ऊपर होंगे ना। सुनिए थोड़ा इधर आएंगे। हाँ क्या हुआ? देखिए ये दिया नहीं जल रहा है। दिया नहीं जल रहा? भाभी भी है नंद भी है, कहीं घर तो नहीं जलने वाला? बकवास बंद करके तुम दिया जलाओगे या नहीं? हाँ दो माचिस। वैसे स्वीटी बहुत गोरी हो गई इंदौर में रह के। इंदौर सफाई में नंबर वन है, वहां की सड़क तक गोरी होती है। जलाओ दिया जलाओ। स्वीटी से रोज बात होती थी तुम्हारी? हाँ और जब कभी नहीं होती थी तो व्हाट्सएप पे कर लेते थे। ये हुआ कैसे? लेकिन नंद और भाभी में एकता मैं पहले तो नहीं था देखता। शुरू शुरू में थी ना अनबन तो। मुझे लग रहा है ये माचिस की तिल्लियां खराब हैं, मैं दूसरी लेके आऊं। क्या? अरे माचिस दूसरी लेके आऊं? तुमने क्या सुना? कुछ नहीं, जाओ ले आओ। समझ गया, तुम क्या समझे? आता हूं दूसरी लेके माचिस। क्या हुआ भैया? अरे तुम्हारी भाभी आरती की थाली लगा रही है, दिया नहीं जल रहा है। भाभी क्यों परेशान हो रही है फालतू में? अच्छा नेहा कह रही थी तुम बिल्कुल इंदौर की सड़क जैसी गोरी हो गई हो। क्या? हाँ तारीफ कर रही थी तुम्हारी। क्या सड़क बोलना, तारीफ है किसी की? मैं क्या जानू, तुम्हारी भाभी जाने। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, इतनी मीठी मीठी बातें करती थी फोन पे, अब
फोन में तो कस्टमर केयर की सुंदर सुंदर लड़कियां हमसे भी मीठी बातें कर लेती हैं, सामने तो नमक भी नहीं देंगी हमें। भाभी को बोल दो 5 मिनट में आरती करनी हो तो करें, वरना मैं अंदर चली जाऊंगी। मैं आता हूँ बोल के। इतना टाइम कहाँ लगा दिया? आग लगा रहा था। क्या लगा रहे थे? कुछ नहीं, माचिस नहीं मिली दुकान में। रुको मैं देखती हूँ किचन में। अरे कहाँ जा रही हो फालतू में, सुनो तो। क्या सुनो तो? वो स्वीटी बोल रही थी कि 1 मिनट के अंदर आरती करो, नहीं तो वो वापस चली जाएगी। नहीं वो ऐसा नहीं बोल सकती। तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? मैं झूठ बोलूंगा? तुम मेरी बीवी हो, वो मेरी बहन है, मैं तो चाहता हूँ कि दोनों तलवारें मिलके रहें। अच्छा तो ऐसे बोली वो कि 1 मिनट में आरती की थाली तैयार कर दूँ? हाँ मैं बोला भी कि माचिस नहीं जल रही है, तो बोली कि अपनी जुबान से छू लें दिए को, अपने आप आग लग जाएगी। हे भगवान, मैं तो सोच रही थी बड़ी नंद को बड़ा आदर दूंगी, लेकिन अब बड़ा आदर क्या, अगर यहाँ रुकी तो चादर भी छोटा दूंगी। वेरी गुड। क्या वेरी गुड? हौसला भड़का रहा था। हौसला भड़का रहा था? मेरा मतलब बढ़ा रहा था। अब क्या करूं मैं, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। जाओ और उस पे जाके उतार दो गुस्सा। फिर वो सासू माँ से बोलेंगी पहले भाभी ने शुरू किया। गुड, पहले लड़ाई की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। तो क्या करूं? उसको जाके इतना कह देना। इससे क्या होगा? जाओ कहो तो, दिवाली के पटाखे फूटने लगेंगे। अंदर आइए ना फूलमती। प्रभु माफ करना, लेकिन क्या करें, ये दोनों आपस में लड़ेंगी तभी मैं बचा रहूंगा। तुमने मुझे फूलमती कैसे बोला? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे तो तुमने मुझे ऑर्डर कैसे मारा कि 1 मिनट में आरती की थाली लेके आओ, समझते क्या हो अपने आप को? युद्ध शुरू हो चुका है, मुक्के की आवाज नहीं आई। मुझे आना ही नहीं था यहाँ, मम्मी के पास गांव चले जाना था। हाँ तो क्यों आई हो, गांव चली जाओ या इंदौर लौट जाओ। एक बार लाइव तो देखूं। ये कमेंट्री तो सुनाई दे रही थी, मैच कहाँ हो रहा है? पीछे पलटो, खिलाड़ी पीछे खड़े हैं। क्या हुआ? विक्रम भैया, भाभी को तो पता ही नहीं था कि मेरा नाम फूलमती है। किसने बताया? क्या हुआ, जुबान में ताला क्यों लग गया अब? मैं प्रसन्न हुआ, वाह तुम दोनों इस परीक्षा में पास हुई। कौन सी परीक्षा? अरे मैं देखना चाह रहा था कि ननंद और भाभी में सच में गहरी दोस्ती हुई है या नहीं। सही में? बिल्कुल, यही रुकना, मैं आरती की थाली लेके आता हूँ, बारूद डाल के। धन्यवाद प्रभु, बचा लिया, फूल चढ़ाऊंगा, नहीं तो मेरी बहन फूलमती और श्रीमती मिलके मेरी बलि चढ़ा देते।